नमस्कार जी हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। और देखिए सुबह के 6 बजने वाले हैं, ऐसे में वक्त हो गया है हिंदुस्तान 100 का। करते हैं शुरुआत। हाथरस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। याचिका में हाथरस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग। केस का ट्रायल दिल्ली में चलाने की अपील। हाथरस के पीड़ित परिवार को योगी सरकार ने दी सुरक्षा। गांव में 24 घंटे तैनात रहेगी पीएससी के जवान। 17 नवंबर को मोदी जिनपिंग का आमना सामना। ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। राहुल गांधी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों को करेंगे संबोधित। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बयान का हरियाणा में किसी तरह के जुलूस को इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के विरोध में हुआ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। मौके से हथियार और गोलियां बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज एनडीए की सीटों का औपचारिक ऐलान संभव। कांग्रेस चुनाव समिति ने बिहार में पहले फेज के लिए करीब 25 उम्मीदवारों के नाम को दी हरी झंडी। पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के बीच सिंबल बांटने का काम शुरू। आरजेडी और माले के उम्मीदवारों को दिया गया चुनाव चिन्ह। पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सूची जारी। 7 प्रत्याशियों की जारी की गई लिस्ट। जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही एलजेपी ने नीतीश कुमार को वोट ना देने की अपील की। बिहार महागठबंधन में जेएमएम की बन गई बात। आरजेडी के कोटे से पार्टी लड़ेगी चुनाव। एनडीए से एलजेपी के अलग होने के फैसले को लेकर के समस्तीपुर में एलजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, हमारी लहर है एक अणे मार्ग में। 10 नवंबर को चेहरा बदल जाएगा। मुंगेर में 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रशासन मुस्तैद। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस और बीएसएफ जवानों का फ्लैग मार्च। मधेपुर में स्वच्छ निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह का जनसंपर्क अभियान। जनता से आरजेडी के पक्ष में मतदान करने की अपील। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बढ़ सकती है मुश्किल। सरयू राय ने मोमेंटम झारखंड में जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में पवई के रामबाग फ्लाईओवर पर एक टेम्पो में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। महाराष्ट्र के जालना में किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। डीएम ऑफिस के सामने पिया कीटनाशक। चिकित्सा क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला सम्मान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 66 लाख के पहुंचा पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 74,442 नए मामले किए गए दर्ज। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,947 कुल मामले। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 32 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,244 नए मामले किए गए रिकॉर्ड। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 1,46,000 के पार। हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश। पीएफआई के 3 सदस्यों के साथ मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। चेयरमैन ने साइन ना करने से बिगड़ी बात। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से कई जिलों में बत्ती गुल। बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप। कहा, टुंडला सीट से रेप के आरोपी के पिता को बनाया उम्मीदवार। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का एक और फरार आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने बीजेपी नेता चंद्रमा सिंह यादव को प्रयागराज में पकड़ा। मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों पर इनाम घोषित। गाजीपुर पुलिस ने तीनों पर रखा 25,000 रुपए का इनाम। नए विवाद में गिरे बीजेपी सांसद राजबीर दिलेर। हाथरस कांड के चारों आरोपियों से जेल में मिलने का आरोप। बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। केस को फास्ट ट्रैक में चलाने की मांग। हाथरस में हुए लाठीचार्ज पर एसपी नेता फिरोज खान का विवादित बयान। कहा, अब एसपी कार्यकर्ता जहां भी जाए उनके हाथ में लाठी होनी चाहिए। नफरत फैलाने और हिंसा की साजिश रचने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व पार्षद हुए गिरफ्तार। हाथरस मामले में गलत अफवाह फैलाना। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख को पड़ा भारी। पुलिस ने दर्ज किया गंभीर धाराओं में केस। बहराइच में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। पिता ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ग्राम प्रधान से हुए लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 जिंदा गौवंश और 2 तमंचा बरामद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार। 17 बाइक भी बरामद। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में महिला की चापड़ मार करके की गई हत्या। गोरखपुर में दंपति की बेरहमी से की गई हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में मोबाइल को लेकर के मनमुटाव में दोस्त की हत्या। मृतक का दोस्त ही निकला हत्यारा। बरेली में जिलाधिकारी ने
हुनर पोर्टल का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के स्कूलों को अटल सौगात, हर ब्लॉक में बनेंगे दो दो अटल आदर्श विद्यालय। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए चार लोग हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का हल्द्वानी में हल्ला बोल, बिजली पानी के बिलों की जलाई होली। शिवपुरी में फिसली कांग्रेस प्रत्याशी हरिबल्लभ शुक्ला की जुबान, किसान कर्ज माफी के दावे पर कमलनाथ को बताया झूठा। प्रत्याशियों के नामों पर कुछ सीटों में फंसी बीजेपी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर, तीन सीटों में बीजेपी में चल रही है माथापच्ची। मंत्री बिसाऊलाल सिंह के पैसे बांटने को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, मंत्री पद से हटाए जाने की रखी मांग। एमपी के अनूपपुर में पैसे बांटने के मामले में मंत्री बिसाऊलाल सिंह की सफाई, का स्वागत कलश लेकर के खड़ी रहने वाली बच्चियों को पैसे देने की है परंपरा। कांग्रेस नेता के मिश्रा के ट्वीट कर बिसाऊलाल सिंह पर तंज कसा है, बिसाऊलाल सिंह को बताया बिकाऊलाल सिंह। मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं से कहा, कांग्रेस के लोग उल्टी सीधी बात करें तो कांग्रेस पर टूट पड़ो। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी निकालेगी वीडियो रथ, वीडियो के जरिए उपलब्धियां बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, सांवेर में वोटर लिस्ट में 3000 फर्जी नाम जोड़ने का आरोप। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का सीएम को पत्र, वेब सीरीज पर आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का आरोप। बुरहानपुर के नेपानगर में बीजेपी की संभावित उम्मीदवार सुमित्रा देवी का विरोध। बैतूल में जय आदिवासी युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला, बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग। दुर्ग में मृतक किसान के परिवार से मिले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। लैपटॉप गड़बड़ी मामले में कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर के भ्रम न फैलाए। हाईकोर्ट ने सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर मांगी रिपोर्ट, 14 साल से सीवर लाइन प्रोजेक्ट अधर में लटका। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के बाद कोंडा गांव में युवती से गैंगरेप, बीजेपी का आरोप, भूपेश सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने जाहिर की नाराजगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर फिर मचा सियासी घमासान, बीजेपी की भूपेश सरकार से मांग, 1 नवंबर से शुरू हो खरीदी। उज्जैन में कृषि कानून के विरोध में हड़ताल पर बवाल, किसान संघ ने तोड़ा मंडी गेट का ताला। तीसरे चरण की 975 ग्राम पंचायतों के लिए आज होगा मतदान। अलवर के दो चर्चे थाना गाजी गैंगरेप मामले में आज आ सकता है फैसला। प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, राज्य सरकार पर लगाया कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप। अलवर में जाली करेंसी सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। राजस्थान के धौलपुर वन विभाग टीम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 70 ट्रॉली चंबल की बर्जरी की गई जब्त। भरतपुर में छेड़छाड़ करना, सरकारी बाबू को पड़ा महंगा, कॉलेज परिसर में बाबू के सरेआम धुनाई। भीलवाड़ा के अजमेर पुलिया सब्जी मंडी में चाकूबाजी, 50 रुपए के लिए किसान को मारा चाकू। राजस्थान के जोधपुर में सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर समेत कई सटोरियों को दबोचा गया। हाथरस मामले पर बीकानेर में भीमसेना का हुआ प्रदर्शन। राजस्थान में कानून व्यवस्था की बहाली को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल। मुकेश अंबानी का बयान, भारत में जल्द आने वाला है 5G। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में सुधार जारी रहा। शेयर बाजार ने तोड़ा पिछले 13 साल का रिकॉर्ड, 2020 के शुरुआती 9 महीने में जुटाए 2.3 लाख करोड़ रुपए का फंड। अक्टूबर महीने में बीएसएनएल अपने यूजर्स को दे रहा है 25% एक्स्ट्रा डेटा, नहीं देना होगा कोई चार्ज। भारतीय इंफ्राटेल में इंडस टावर्स के विलय का रास्ता हुआ साफ, वोडाफोन ग्रुप को कर्जदाताओं से मिली मंजूरी। आकर्षक ऑफर के लिए फ्लिपकार्ट को पेटीएम के साथ डील, कई प्रोजेक्ट पर 80% तक की छूट। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी जीत, इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। कोविड-19 से रिकवर होकर के मलाइका अरोड़ा ने शुरू की इंडियाज बेस्ट डांसर्स की शूटिंग। सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रैना कर रही है कबीर खुराना की फिल्म सट्टाबाजी से बॉलीवुड में एंट्री। तमन्ना भाटिया का कोरोना टेस्ट निकला नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। एक्टर मोहित सहगल का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। अक्षय कुमार के बेलबॉटम का टीजर हुआ रिलीज, लोगों ने किया पसंद। दुबई में कैंसर का इलाज करा रहे संजय दत्त की सामने आई तस्वीर ने बढ़ा दिए फैंस की चिंता, फास्ट रिकवरी की मांग की। नोरा फतेही को कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने किया इम्प्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना से स्वस्थ होने के दिए संकेत। यमन के मारिब में सेना और हूती विद्रोहियों के बीच हुए भीषण संघर्ष अभी भी है जारी। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं रुक रहे विरोध प्रदर्शन। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने किया साझा युद्धाभ्यास। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप।
पांच भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।